विधानसभा चुनाव के मुहाने पर जब महायुति सरकार अनेक योजनाएं शुरू कर रही है, लाडली बहन योजना भी इसी में से एक है। महायुति में शामिल सभी दल इस योजना को जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एनसीपी नेता अजित पवार इस योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए जन सम्मान यात्रा कर रहे हैं। ऐसे समय में कामठी के भाजपा विधायक टेकचंद सावरकर ने लाडली बहन योजना के संदर्भ में अपने भाषण में विवादित बयान देकर महायुति को मुश्किल में डाल दिया। उनका एक भाषण सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे जिले के मौदा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सभा में बोल रहे हैं। उसके बाद तो विपक्ष को भी बीजेपी व महायुति सरकार को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया है। आदमी रहता क्या नहीं रहता, अभी हम काय के लिए इतना बड़ा ये भानगढ़ काय के लिए किया बताओ, बुरा ईमानदारी से बताओ, अंतकरण से, ये इतनी बड़ी भानगढ़ काय के लिए की कि जिस दिन तुम्हारे घर के सामने इलेक्शन की पेटी आएगी तो मेरी ये लाडली बहना कमल को होड़ देंगी, इसके लिए तो ये जुगाड़ किया हमने। ये सब सही बोलते हैं, अपना झूठ बोले होंगे, मैं सही बोल रहा हूं, मेरी बात सही है क्या नहीं तो बताने का ये करने का ये, हम क्या रामदेव बाबा के कार्यकर्ता है। कामठी विधायक टेकचंद सावरकर अपने भाषण में लाडली बहन योजना के संदर्भ में सभा में उपस्थित महिलाओं से पूछ रहे हैं कि कितनी बड़ी भानगढ़ क्यों हमने की, ईमानदारी और अपने अंतकरण से बताओ, इसलिए कि जिस दिन तुम्हारे घर के सामने इलेक्शन की पेटी आएगी तो मेरी ये लाडली बहना कमल को वोट देगी, इसके लिए हमने ये जुगाड़ किया। इतना कहकर भी वे रुके नहीं, उन्होंने कहा कि सब झूठ बोलते होंगे लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, हम क्या रामदेव बाबा के कार्यकर्ता है। सावरकर का भाषण वायरल होते ही विरोधी पार्टी नेताओं को बीजेपी समेत महायुति को घेरने का बड़ा मुद्दा मिल गया। वैसे भी लाडली योजना शुरू होते ही विपक्षी नेताओं ने इसे चुनावी लॉलीपॉप बताते हुए चुनाव के बाद योजना बंद हो जाने की भविष्यवाणी की थी। अब सावरकर ने उनके दावों पर मुहर लगा दी है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अंततः महागठबंधन आगे आया, महागठबंधन में वोटों का अकाल है, इसलिए लाडली बहन योजना वोटों का जुआ है। इस बीजेपी विधायक ने माना कि महागठबंधन के सभी नेता झूठ बोलते हैं, लाडली बहन योजना माताओं बहनों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि वोट पेटी को लाभ पहुंचाने के लिए है। महान्यूज 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। खुद को रखे चुस्त दुरुस्त फिट एंड फाइन एरॉन फिटनेस स्टूडियो के साथ, नागपुर शहर का एकमात्र फिटनेस स्टूडियो जहां पर हाईली एक्सपीरियंस मेल एंड फीमेल जिम ट्रेनर्स द्वारा बेस्ट जिम ट्रेनिंग दी जाती है। एरॉन फिटनेस स्टूडियो में अत्याधुनिक 46 अलग अलग प्रकार के जिम इक्विपमेंट्स उपलब्ध। आप भी इस फिटनेस स्टूडियो में आकर अपनी बॉडी को शेप और कर्व में लाइए। एरॉन फिटनेस स्टूडियो सुबह 6:30 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है। हमारा एड्रेस है प्लॉट नंबर 231 पिसार लेआउट नियर महाराष्ट्र स्कूल जरीपटका नागपुर। हमें संपर्क करें 7219889175 पर।